डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में मैं नीरू आप सभी का स्वागत करती हूं। आज तारीख है 16 मार्च 2019 और ये है हमारा एपिसोड 237। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्पिनाकुलर और फ्रंटियर आईएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के सब्सक्राइब बटन पर बेल आइकन पर आप क्लिक करें। ये वेबसाइट्स है हमारी ssccjalpinnacle.com और baljeethaka.com, इनको भी आप विजिट कर सकते हैं। ये मोटिवेशनल कोट है जो मैं रही हूं और ये पवन कुमार ने हमें लिखकर भेजा है। बहुत सुंदर कमल वगैरह बनाकर भी इन्होंने हमें भेजे हैं। किसी मकसद के लिए खड़े हो तो एक पेड़ की तरह गिरो, तो एक बीज की तरह, ताकि दोबारा उगकर उसी मकसद के लिए फिर से जंग कर सको। बहुत ही बढ़िया इनका मोटिवेशनल कोट। अब यहाँ देखिए, अब ये है प्रीवियस क्विज। ओके, मैंने आपसे क्या पूछा था कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कौन से देश के पास दुनिया में सबसे बड़ा सोने का संग्रह है? उत्तर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न ये है कि 2019 के सैफ महिला चैंपियनशिप जो है वो कहाँ हो रही है? वो हो रही है नेपाल में। तो ये दो प्रश्न थे, ठीक है, जिनका आपको उत्तर देना था। और आप में से अधिकतर लोगों ने बहुत बढ़िया उत्तर दिए, ठीक है। आगे चलो, यहां देखो, पहला प्रश्न है आपके सामने, द्विपक्षीय सुरक्षा और असैन्य परमाणु सहयोग को मजबूत करने के लिए कौन सा देश भारत में 6 परमाणु संयंत्र स्थापित करने जा रहा है? और उत्तर होगा इसका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आंसर क्या है हमारा? अमेरिका। आंसर इसका ए होगा। अब मैं आपको इसके बारे में जानकारी देती हूँ कि भारत और अमेरिका ने सुरक्षा व असैन्य परमाणु सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत में 6 अमरीकी परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की सहमति जताई है। हाल ही में दोनों देश जो हैं उन्होंने इसके बारे में बातचीत की और ये अब सहमति बन गई है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या है हमारा? आंसर जो है अमेरिका है। अब मैं आपको मैप में दिखाऊं कहां पर है अमेरिका। ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखें और आप भारत के, अगर आप भारत के इस ओर पश्चिम में देखते हैं तो आपको एक कंट्री नजर आएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहां पर लाल रंग में, और ये जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका है। राजधानी यहां वॉशिंगटन डीसी है। सबसे बड़ा शहर यहां न्यूयॉर्क सिटी है। गवर्नमेंट फेडरल रिपब्लिक है। प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस है। और करेंसी है यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स का डॉलर। चलिए दूसरे प्रश्न पर। यहाँ प्रश्न आपसे पूछा गया है कि तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु ने अपना दूसरा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाने का फैसला किया है, ये तमिलनाडु में कहाँ पर बनेगा? तो उत्तर क्या है इसका? उत्तर जो है इसका वो है चेन्नई। ये चेन्नई में बनेगा और चेन्नई जो है वो तमिलनाडु की राजधानी भी है। तो आंसर यहाँ पर हमारा सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर जो है वो सी है। हाल ही में तमिलनाडु से ही एक प्रोडक्ट को GI टैग मिला है। ओके, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि वहां से कौन से प्रोडक्ट को GI टैग मिला है। ये हमारा प्रश्न 2 है। वापस आ जाइए इस प्रश्न पर। तमिलनाडु सरकार जो है वो चेन्नई के पास ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाने की दिशा में अब वो कदम उठा रही है। और जो तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम जो है, ओके, वो जो है उन्होंने इशू की है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल और ये अपॉइंट किया गया है कंसल्टेंट ताकि वो ड्राफ्ट वगैरह सारा तैयार कर सके। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर हमारा चेन्नई है। अब मैं आपको मैप में दिखाती हूँ कहाँ पर है तमिलनाडु। ये देखिए, अगर आप भारत के दक्षिण में देखिए तो ये जो राज्य आपको नजर आ रहा है लाल रंग में, ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के साथ, कर्नाटक के साथ, केरल के साथ ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। कब बना था ये? 26 जनवरी 1950 को चेन्नई और मद्रास, चेन्नई जिसको आज हम चेन्नई कहते हैं, पुराने टाइम में मद्रास कहते थे, वो यहाँ पर सबसे बड़ा शहर और राजधानी है। गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित, चीफ मिनिस्टर पलानी स्वामी, यूनिकैमरल इनका लेजिस्लेचर है, 32 डिस्ट्रिक्ट्स, हाई कोर्ट मद्रास हाई कोर्ट है, एरिया में 11वां सबसे बड़ा, जनसंख्या में 6ठी पोजीशन पर है। ये थोड़ी और अतिरिक्त जानकारी देखते हैं यहां पर। अगर स्टेट डांस की बात की जाए तो भरतनाट्यम है, स्टेट एनिमल नीलगिरी तहर है, स्टेट बर्ड एमरल्ड डव है, स्टेट फ्लावर ग्लॉसिया लिली, स्टेट ट्री पाम ट्री, और स्टेट स्पोर्ट्स यहां पर कबड्डी है।
भारत में कितने राज्यों ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया है? ये हमारे सामने प्रश्न है और इसका जो उत्तर होगा 12 राज्यों ने ऐसा किया है। आंसर जो है यहाँ पर ए होगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की पिछले साल की रिपोर्ट के कारण देश के 12 राज्यों ने युवाओं में जो प्रचलित ओके इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट है उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। ये राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और झारखंड, इन सब ने इसके ऊपर बैन लगा दिया है। ओके, ये जो सिगरेट है इसकी लोकप्रियता जो है वो दिन पर दिन बढ़ रही थी और ऐसा दावा किया जाता था कि इसमें तंबाकू नहीं है, लेकिन एक्चुअली इसमें तंबाकू था। तो आंसर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए क्या है? आंसर जो है वो ए है। ये देखिए, ये इससे संबंधित तस्वीर है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में भारतीय शोधकर्ताओं ने दिल्ली में वायु प्रदूषण के मुद्दे को हल करने के लिए किस विदेशी विश्वविद्यालय के साथ उन्होंने सहयोग किया है, बल्कि एक टाई अप हुआ है, और ये दोनों जो हैं भारत के जो हमारे शोधकर्ता हैं और इस विश्वविद्यालय के जो लोग हैं वो मिलकर दिल्ली की में जो पॉल्यूशन है वहां पर जो प्रदूषण है उसका वो समाधान निकालेंगे। तो आंसर यहाँ पर क्या है? आंसर है यहाँ पर बिरमिंगम विश्वविद्यालय। बिरमिंगम विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ और भारत के नीति निर्माता जो हैं उन्होंने दिल्ली में जो वायु प्रदूषण से जुड़े मुद्दे हैं, भले ही स्वास्थ्य हो, सामाजिक हो, आर्थिक मुद्दे हो, इन सब से निपटने के लिए ये लोग जो हैं अब ये संयुक्त रणनीति तैयार करेंगे। तो आंसर यहाँ पर क्या है? आंसर हमारा यहाँ पर 4 के लिए ए है। ओके, अब ये जो बिरमिंगम विश्वविद्यालय है ये यूनाइटेड किंगडम में है। यहां पर देखो, मैं आपको मैप में दिखाती हूं कहां पर एग्जैक्टली कहां पर एग्जैक्टली लोकेटेड है ये। अगर आप यहां देखें तो ये यूरोप का हिस्सा, यहां पर आपको फ्रांस नजर आ रहा है, बीच में ये इंग्लिश चैनल है, और इस तरफ देखें तो यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम में क्या क्या आता है? यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड आता है, स्कॉटलैंड आता है, नॉर्दर्न आयरलैंड, जैसे कि आपको यहां पर नजर आ ही रहा है ये नॉर्दर्न आयरलैंड है, और वेल्स, ये सारे मिलकर बनाते हैं यूनाइटेड किंगडम। यहां पर सबसे बड़ा शहर लंदन है, मोनार्क यहां पर एलिजाबेथ II है, अंग्रेजी यहां की ऑफिशियल और नेशनल लैंग्वेज है, करेंसी यहां पर पाउंड स्टर्लिंग है, और ये वो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिंगहम। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, स्टीफन हॉकिंग के सम्मान में यूके ने क्या जारी किया है? क्वेश्चन नंबर 5 है ये। तो स्टीफन हॉकिंग का नाम आप सभी लोगों ने सुना था, हाल ही में उनका निधन हुआ था। इनके सम्मान में क्या जारी किया गया है? तो इनके सम्मान में एक सिक्का जारी किया गया है जिसे नाम दिया जाएगा ब्लैक होल कॉइन। ब्लैक होल कॉइन इसको नाम दिया जाएगा। विश्व के प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग के सम्मान में जो रॉयल मिंट है उसने 50 पेंस का, अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी वैल्यू कितनी है तो इसकी वैल्यू केवल 50 पेंस है, उन्होंने 50 पेंस का एक नया सिक्का जारी किया है। इस सिक्के को ब्लैक होल सिक्का नाम दिया गया है और यह सिक्का स्टीफन हॉकिंग की रिसर्च से प्रभावित होकर जारी किया गया है। इस सिक्के का अनावरण स्टीफन हॉकिंग के बेटे और बेटी ने किया, और जो रॉयल मिंट है वो इससे पहले आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन के सम्मान में भी सिक्के जारी कर चुका है। अब मैं यहां पर आपको ये सिक्का दिखा देती हूं, ये देखिए यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है स्टीफन हॉकिंग। अब आपको साथ में एक रिवीजन भी करवा देती हूं, अगर आपको याद हो तो भारत में भी हाल ही में घोषणा की गई थी कि 20 रुपए का सिक्का जो है वो जारी किया जाएगा, और बल्कि इनफैक्ट एक नई सीरीज आने वाली थी जिसमें 1 रुपए के, 2 रुपए के, 5 रुपए के, 10 रुपए के और 20 रुपए के सिक्के होंगे, जिनको डिजाइन करने का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद, और वो लोग जो नेत्रहीन है, जो विजुअली इम्पेयर्ड है, उनको ध्यान में रखकर इनको डिजाइन किया जाएगा। ये थी जानकारी इस प्रश्न के बारे में। आगे देखो, कौन सा देश विश्व ओलंपिक खेल 2019 की मेजबानी कर रहा है? मेजबानी करने वाला देश है हमारा यूएई। आंसर क्या है? आंसर जो है यहां पर यूएई है। विशेष विश्व ओलंपिक खेल 2019 जो है ये आयोजित किए जा रहे हैं यूएई में, और इसमें काफी सारे खिलाड़ी और बहुत सारे लोग जो हैं वो भाग लेंगे, तो भारत की भी टीम यहां पर गई हुई है। ये जो खेल है ये 14 मार्च से लेकर 21 मार्च तक आयोजित किए जाएंगे। 2019 के स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स हैं ये। और ये एक ऐसा मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स है जिसमें वो खिलाड़ी वगैरह भी भाग लेते हैं
हैं जिनकी जो कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज वगैरह से पीड़ित हैं। तो आंसर यहां पर क्या है, आंसर क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हमारा यूएई है। ओके, दुनिया भर से करीबन 7500 विशेष एथलीट यहां पर पहुंचे हैं, 3000 कोचेस यहां पर पहुंचे हैं, बहुत ही वर्ल्ड लेवल पर इसकी आतिशबाजी हुई हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर यूएई। अब यहां पर मैं आपको इससे संबंधित बताना चाहूंगी, मैप दिखाकर कि कहां पर है यूएई। ये सारा जो अगर आप भारत से इस ओर देखते हैं, भारत से यानी कि आप वेस्ट की ओर देखो, आपको अरेबियन पेनिनसुला नजर आएगा। उस अरेबियन पेनिनसुला में यहां पर ये जो कंट्री आप देख रहे हैं ये है यूएई। यहां पर कैपिटल अबू धाबी, प्रेसिडेंट खलीफा बिन जयद अल नयान, प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम और करेंसी है यूएई दिरहम। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर चलती हूं। उससे पहले इस समाचार से संबंधित, इस क्वेश्चन से संबंधित रादर आप देख सकते हैं ये पिक्चर। अगला प्रश्न, विश्व किडनी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, हम कब मनाते हैं विश्व किडनी दिवस। ओके, आंसर यहां पर है इस साल ये मनाया गया 14 मार्च को, लेकिन हर साल इसकी तारीख बदलती है। तारीख क्यों बदलती है, तारीख इसलिए बदलती है क्योंकि मार्च के महीने में जो सेकेंड थर्सडे होता है, जो दूसरा बृहस्पतिवार होता है, उस दिन इसको मनाया जाना होता है। तो हर साल इसकी डेट जो है वो चेंज होती है। मार्च के हर दूसरे बृहस्पतिवार को विश्व गुर्दा दिवस मनाया जाता है और इसका मकसद जो है वो लोगों को शरीर के इस महत्वपूर्ण अंग के बारे में सचेत करना, जागरूक करना, अपने खान पान पर ध्यान देना, यही इसका मकसद है। ये था हमारा प्रश्न 7। और ये देखिए, आप इससे संबंधित तस्वीर देख सकते हैं, यहां पर स्पष्ट रूप से क्या लिखा हुआ है, 14 मार्च 2019। आगे चलते हैं और यहां पर ये जो आप देख रहे हैं ना, किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर, ये इस बार इसकी थीम थी। थीम को भी आप जरा ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न, किस बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों, बीमार व्यक्तियों और अपाहिजों के लिए डोरस्टेप बैंकिंग शुरू की है। ये हमारा प्रश्न 8 है। ठीक है, तो ये स्टार्ट की है देश के सबसे बड़े बैंक ने, जिसका नाम है SBI। ओके, SBI ने इसको स्टार्ट किया है, भारतीय स्टेट बैंक ने। ओके, वो अपने ग्राहकों को घर बैठे बैंकिंग सुविधा देना शुरू कर रहा है। इसके तहत जो 70 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक हैं, दिव्यांग हैं, दृष्टिहीन ग्राहक हैं, वो घर बैठे नकदी जमा करवा सकते हैं और उसको निकाल सकते हैं। इसके साथ ही बैंक चेक पिकअप स्लिप, ओके, काफी सारी जो इसमें फैसिलिटीज हैं वो दी जा रही हैं। लेकिन इसमें दो कंडीशंस हैं। कंडीशन ये है कि यह सुविधा होम ब्रांच के 5 किलोमीटर के दायरे में मिलेगी, पॉइंट नंबर 1। और दूसरा, साथ ही बैंक के पास उपभोक्ता का मोबाइल रजिस्टर्ड होना जरूरी होगा। ओके, जिन ग्राहकों ने, जो नो योर कस्टमर है, KYC वो पूरी कर दी है, उनको ये सुविधा मिलेगी। तो आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, आंसर हमारा ए है। आपको एक रिविजन क्वेश्चन कराती हूं। हाल ही में मैंने आपको बताया था कि भारत का पहला पब्लिक सेक्टर बैंक जो है बैंक ऑफ बड़ौदा, वो ऐसा पहला बैंक बन रहा है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो कि अपने एम्प्लॉयज को डे केयर और क्रेच की फैसिलिटीज देगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और ये तस्वीर है भारतीय स्टेट बैंक की। आगे देखो, यहां पर पूछा गया है, व्हीलचेयर का उपयोग करने वाले प्रशंसकों को रोबोटिक्स सहायता कौन सा देश प्रदान करेगा। ये है हमारा प्रश्न 9। प्रश्न 9 के लिए हमारा उत्तर क्या है, उत्तर जो है यहां पर जापान है। ठीक है, आपको अच्छे से पता है, मैं काफी बार अपने वीडियो में बता चुकी हूं कि जापान में 2020 में ओलंपिक खेल हो रहे हैं, वहां पर समर ओलंपिक्स हो रहे हैं, राइट। उसमें जो है ड्राइवरलेस कार्स होंगी, बहुत सारे रोबोट्स होंगे, तो साथ ही साथ वहां पर रोबोट्स होंगे जो उन लोगों को जो व्हीलचेयर पर हैं, उन और वो दर्शक वहां पर देखने आए हैं खेल जो हो रहे हैं, उनको रोबोट्स जो हैं वो सहायता प्रदान करेंगे। इनफैक्ट ऐसा कहा जा रहा है कि जो टोक्यो में खेल होंगे ये रोबोट गेम्स के नाम से ही ज्यादा मशहूर होंगे, क्योंकि जापान जो है वो रोबोट्स बनाने के लिए जाना जाता है। साथ ही
दूसरा इससे इम्पोर्टेंट न्यूज, दूसरी जो बात है वो ये है इसके बारे में कि जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है उन्होंने हाल ही में घोषणा की कि सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया जो है उसको टोक्यो में 2020 में जो ओलंपिक खेल हैं खेलों के लिए भारत और भारतीय उपमहाद्वीप में प्रसारण के अधिकार मिल गए हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 आंसर यहाँ पर हमारा क्या है, आंसर यहाँ पर जापान है। ठीक है, अब जापान के बारे में मैं आज आपको जापान की राजधानी बताती हूँ। जापान की राजधानी टोक्यो है, वहां पर प्राइम मिनिस्टर कौन है, वहां पर प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे हैं। आप मुझे जापान की क्या करेंसी है ये कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। और ये देखिए ये है टोक्यो 2020 और यहां पर क्लियरली आपको नजर आ रही हैं वो 5 ओलंपिक रिंग्स। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न पर आ गए हम। निम्नलिखित में से किसने एशियाई क्षेत्र के लिए राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार जीता है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। और क्वेश्चन नंबर 10 के लिए यहां पर आंसर क्या होगा हमारा, पद्मनाभन गोपालन। आंसर क्या है, आंसर यहां पर डी है। ओके, देखो कुछ लोग कितना बढ़िया काम करते हैं, ये तमिलनाडु के एक सामाजिक उद्यमी है, नो फूड वेस्ट। ओके, नो फूड वेस्ट यानी कि खाना बिल्कुल बर्बाद नहीं होना चाहिए, नो फूड वेस्ट के संस्थापक हैं ये पद्मनाभन गोपालन। इनको लंदन में राष्ट्रीय सचिवालय में एक समारोह में 3,000 पाउंड मूल्य के एशियाई क्षेत्र के लिए राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार का विजेता चुना गया है। अब इन्होंने क्या किया, इनकी पहल एक जियो मैपिंग प्लेटफॉर्म चलाती है जो उपभोक्ताओं को हंगर स्पॉट पर भोजन छोड़ने की अनुमति देता है और अब तक 14 शहरों में 6,50,000 से अधिक भोजन प्राप्त कर चुके हैं ये लोग और मंच का उपयोग 12,000 से अधिक स्वयं सेवकों द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये थी जानकारी प्रश्न 10 के लिए। अब साथ ही मैं आपको यहाँ पर एक रिवीजन भी करवाना चाहूंगी। आज हमने खाने के बारे में बात की कि खाना बिल्कुल बर्बाद ना हो, हमने हाल ही के वीडियो में क्या किया था कि उदयपुर का, ओके, उदयपुर का जो वस्त्र दान अभियान है, उदयपुर का जो वस्त्र दान अभियान है उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम बनाया क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा कपड़े जो हैं वो दान, 3,00,000 से ज्यादा कपड़े उन्होंने दान किए हैं, उनको इकट्ठा किया फिर दान किया। तो ये था हमारा प्रश्न 10। तस्वीर देख लेते हैं हम पद्मनाभन गोपालन की, ये इनकी तस्वीर है। ये आज के 10 प्रश्न हो गए। आज आइए समरी कीवर्ड्स पर। भारत में 6 न्यूक्लियर प्लांट्स लगाएगा यूएसए, तमिलनाडु में चेन्नई में सेकंड ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट सेटअप किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पर 12 राज्यों में बैन लगा, भारतीय रिसर्चर्स जो हैं उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिंगहम के साथ टाई अप किया ताकि वो दिल्ली की पोल्यूशन का समाधान निकाल सके, स्टीफन हॉकिंग के सम्मान में ब्लैक होल कॉइन जारी किया गया, स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स की शुरुआत हुई यूएई में, वर्ल्ड किडनी डे मनाया गया 14 मार्च को, डोरस्टेप बैंकिंग दे रहा है एसबीआई अपने कुछ विशेष ग्राहकों को, रोबोटिक असिस्टेंस स्पेक्टेटर्स को प्रोवाइड करेगा जापान जब जापान में 2020 ओलंपिक्स होंगे, और कॉमनवेल्थ यूथ अवार्ड मिला है पद्मनाभन गोपालन को। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न, आ गए हैं क्विज फॉर द डे पर। आज के सॉरी वो कीवर्ड्स थे। अब यहाँ पर पूछा गया है व्हीलचेयर का उपयोग करने वाले प्रशंसकों को रोबोटिक से सहायता कौन सा देश प्रदान करेगा, पहला प्रश्न, और स्टीफन हॉकिंग के सम्मान में ब्रिटेन ने क्या जारी किया। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर और अंदर भी वीडियो के दौरान मैंने जो प्रश्न पूछे उनका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो आपको बढ़िया लगा वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब वो टाइम आ गया है जब आपको 10 के 10 प्रश्न बिल्कुल याद कर देने हैं और जितनी भी अतिरिक्त जानकारी दे रही हूं वो भी आपको अपने दिमाग में रखनी है। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।